अरे किसका जी नहीं करता, प्रधानमंत्री का तो मेरा भी जी करे, पर वो आजा देगा यहाँ पड़ो तो जनता इकट्ठी करके और सरू ने बात थेली बजा दी, भाई वाह मोदी वाह मोदी। मारा लड़का भी नु कह रहा था आर्मी में, मारा लड़का भी पापा मोदी को ही दियो मोदी को ही दियो। अरे भाई वे फोन पे जो कर लगा रहा तू मेरे माइक सा, वे कहते हैं कहने हाँ आ गया मारा पैसा आ गया भाई आ गया हैं, और पाँच पाँच चार चार हज़ार रुपये उन्हें पता खा लें और उनका पैसा दुआ दें। अरे भाई कह के तो ये भी गए थे समय पर आवागा ये बगलू का के मारा जो से को देखे वो उसका फूफा पावे और वो उसका फूफा पावे, हमें तो सारे ऐसे ही मिले। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, बरवाड़ा गांव है बागपत में। अच्छा तो बागपत में, तो चलो बागपत की पूछ लेंगे आज। अब मम्मा जी हूँ। अच्छा मम्मा हो तो क्या लग रहा है आपने क्या रहना चाहिए सरकार का बताओ थोड़ा सा क्या रहेगा। हम ज्यादा राजनीति की तो बात जानते नहीं भाई, पर शुद्धि बात जाने, ये जितने वादे करें सारे गलती गलत करें। मारो तो पिछली साल का दो साल का ई बाया और जो अनुसार को अंडा गे रखा इसकी टिकट नहीं हमें दिखी नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। और यहाँ बड़ोत भी घोषणा करके कहा था मोदी कौन योगी भी, मोदी भी योगी भी, अठारह पंद्रह दिन पेमेंट आवेगा। ये पंद्रह दिन का पेमेंट का मतलब ये होगा और हमें तो पिछले साल का ई मिला और जो इबका गेरा क्या कैबिन ने बोली मिल बंद हो रहा। मारा मलकपुर गांव मलकपुर मिल है मारा, अरे एक पीछा भी नहीं आ रहा मारा, अगली नवी उसका सारा गंडा जा लिया मारा। फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहोगे? गए अरे प्रधानमंत्री तो ऐसा चाह जो उन किसानों के हक में हो, जो उन गंडू के पैसे हमें टाइम पर सही मिले और हमारे दौरे के रोजगार रखा। हाँ यू ये भाई गन्ने का भरोसा ही है यहाँ तो, और ये गन्ने को पूछ नहीं रहे ना, एक बार वादा देगा यहाँ पड़ो तो जनता इकट्ठी करके और सरू ने बात थेली बजा दी, भाई वाह मोदी वाह मोदी। मारा लड़का भी नु कह रहा था आर्मी में, मारा लड़का भी पापा मोदी को ही दियो मोदी को ही दियो। अरे भाई हमने भी मोदी को लोग तो बड़े आदमी तो लुक गए मोदी की जागेरी, अरे गिरने का नतीजा यू या आज मिले हमें पीछा। तो अब लड़का क्या कह रहा? लड़का तो लड़के की पूछे वो तो मेरे ठेगा पा उसे तो पेंशन आ रहा वो भी बस 10 रुपये कहे वहाँ मिलिट्री में तो ठीक है पापा इसका इंतजाम करे हुआ वहाँ का ठीक है जो सी बात है। पर हम कुकर ठीक बताते थे मेरे गन्नू का पैसा नहीं आ रहा, हम 2-2 किलो दूध बेचे जाओ तू का मुँह पूछ के जब अपना खर्चा चला रहे उसकी कुकर बात मान लें। तो जो आपके सांसद हैं उन्होंने कुछ भी करवाया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने तो भाई यहाँ देख लो जी इस बात को करवाता तुम्हारे पैसे दुआ था। हाँ और इसमें बीच में राजनीति सी हो गए पन पन चार चार गांव गए ले रखे मिल वाले ने, वे नेता लोग होंगे उनके ठह के पीछे आ जा, वे फोन पे जो कर लगा रहा तू मेरे माइक सा, वे कहते हैं कहने हाँ आ गया हमारा पैसा आ गया भाई आ गया हैं, और पाँच पाँच चार चार हज़ार रुपये उन पता खा लें और उनका पैसा दुआ दें। वो शुगा ये भी हम सवाल जो उनसे सुध दे ओके पे बैठ के, और मगर सूसरे नहीं कभी नहीं दिए भाई इबलो भी नहीं दिए मारे तो डांगर खड़ बिना भी नहीं बैठे। तो फिर के रे चक्कर चक्कर काम चल रहा है बांड वूड ले रखा कुछ चला रहा अपना दूध बेचे और कुछ रख रहे पैसे तो कुछ गिरते होंगे ज्वार ज्वार में चल रहा काम कह रहे हैं भैंस को कह रहे बिना के देगी वह भाई तेरे तेरे रोटी ना तू चल क्यों कर देगा, हमें तो अपनी मजबूती तो खाना पड़े करना पड़े। हाँ हमारी तो बच्चों की कमाई है खेत की, पर इसका टाइम पे पैसा नहीं आता हम परेशान हैं बस, इस सरकार तो हमें और कोई एलर्जी नहीं। तो अगर सरकार बदल जाती है तो लगे आपने मतलब गन्ने का पेमेंट जो है समय पर मिल पाओगा? अरे भाई कह के तो ये भी गए थे समय पर आवागा ये बगलू का के बारा जो से को देखे वो उसका फूफा पावे और वो उसका फूफा पावे, हमें तो सारे ऐसे ही मिले। हाँ मोदी जी ने बढ़िया का रोड राड तो बढ़िया बनवाए जहाँ रोड पर हमें वहाँ गाड़ी बजाय नहीं, हमें तो खेत में जाना अपनी जद करें जाकत वाले साइकिल पर मोटरसाइकिल पर चले जाएँ इब जा उनका रास्ता हो गया। पहले मेरे ऐसे कच्चे पक्के रास्ते थे चोए का गांव था। हाँ इब जन एक बार रास्ते पर बन गए और तो हमें क्या मिल रहा उस रास्ते थे, हम तो सोच रहे इतनी इतनी गालाम को लिकट लिकट जा रहे इतने इतने पानियों में को जा रहे हम तो लिकट गए, हमें कोई रास्ते का कोई आराम नहीं। और ये बताओ मैं ये रोड नू बनगी नू बनगी और इतने ऊंचे ऊंचे को बनाए थे सोच रहा इस पर तो चढ़ना भी महाभारत है
हाँ अर्जी से मिलते होंगे भाई रोड के पीछे जिनका वहाँ को खेत आ रहा उन्हें मिलते होंगे। हमारा तो गांव भी रोड से 2 किलोमीटर पर लगा, हमें क्या फायदा उन बात होगा। तो अभी आपने क्या लगाया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? विपक्ष वाले तो बहुत सारे इकट्ठे हो रहे, राहुल गांधी का मैं बनूंगा, प्रियंका गांधी का मैं बनूंगी, नीतीश कुमार मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कह रहा मैं बनूंगा, कौन बनेगा? अरे किसका जी नहीं करता, प्रधानमंत्री का तो मेरा भी जी करे, मैं बन जाऊँ पर बढ़िया करूँगा तो जी भी तो बनूंगा, ये बढ़िया कोई सा कर ही नहीं रहे, इन्हें कुकर छाट लूँ भाई, जो सा किसानों का काम करेगा और जो कर हमारे खेत में ये गाँव बछड़े, चलो मोदी जी ने और काम बढ़िया करवा रखा, पर ये सुसरा यू तो फांसी आ रही मारा रहा, तू खेत में जा गए लठ ले ले और बाजा बाजा बिजार, तो सुसरा इतनी भाज के पीछे जान बचानी भारी हो जा भाई उसने, हाँ इसका इलाज करवाओ, मान लिया तो यह भी बढ़िया सरकार है जो मरे खेत में नुकसान ना करे और वह टाइम पर हमारा मिल का पैसा पहुँचा दे और वहाँ बड़ौत में झंडे ठहा ठहा कर वह हा मोदी और घर घर मोदी, हा मोदी और घर घर मोदी, वाह हमारी तो ठीक है नहीं है ही नहीं भाई मिल में, तो मलकपुर का मिल है हमारा, बागपत जिला गाँव में हमारा बरवाड़ा गाँव है। तो कौन बनेगा सांसद उसमें बागपत में? भाई हमें नहीं पता कौन बनेगा सुसरा, हम तो कोई से की वोट दे ही नहीं, जब जा कोई चौधरी मेरे लोग आता ही नहीं, जैन चौधरी का जैन चौधरी लड़ सके यहाँ से बागपत, जैन चौधरी आवे उसकी हम मानने, उसका बापू भी बढ़िया था, उसका बाबा का तो कोई गुंजाइश ही नहीं चौधरी चरण सिंह की, तो उनके हम हैं फिर जैनते ही दोगे वोट? हाँ जैनते देंगे देते नहीं किसी भी, अरे सुन तो ले, अरे जी मारा वो है मारो भाई मिल बनवा गया था मारे गंजुगर आकर गया था पीछे, तो जो 2 साल पीछे दे दे चलो हमें तो बजे तो मोदी भी नहीं हूँ, अरे यू मोदी मिल वाला भी यू भी मारा मोदी है, हाँ